तरबूज 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 किसे कहते हैं? इसमें देखो, तरबूज के अंदर, तरबूज की परिभाषा, इसमें देखो, त्रि का मतलब तीन और बुझ का मतलब बुझा, मतलब ऐसी आकृति जिसके अंदर तीन भुजाओं है ना। जैसे कि ये देखो, इसमें तीन भुजाओं में ना, एक ये और एक ये, और तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल है ना, त्रिभुज। तो जैसे तीनों भुजाएं अगर समान हो तो हर कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। तो अगर तीनों भुजाएं समान है तो तीनों कोण भी समान होंगे। तो अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 है तो एक कोण का मान कितने का होगा? ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। ठीक है, तीनों 60 60 के हो गए, है ना। अगर यहाँ पे बिंदु लिया कोई, यहाँ से कोई रेखा खींची और यहाँ से कोई रेखा खींची और यहाँ से कोई रेखा खींची, मतलब मध्य में बिंदु लेकर यहाँ पर जैसे ए बी और सी ऐसे लाइन खींची, तो ये कोण, ये बनने वाले कोण है ना, ये भी समान ही होगी क्योंकि समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज है। दूसरा एक समकोण समभाव त्रिभुज है, समान भुज है इसमें। अब दूसरा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। जिस कोण के अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण सहित बोलते हैं, है ना। तो अगर हमको ये भुजा और ये भुजा दे रखी और ये पूछे तो क्या करना है? इसको एसी का होल स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल एक बटा दो इंटू लंबाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, और इसका परिमाप तीनों भुजाओं का योग। समकोण त्रिभुज का परिमाप है। ठीक है, अब ऐसे एक विषमभाव त्रिभुज होता है, विषमभाव त्रिभुज। ठीक है, विषमभाव त्रिभुज, विषमभाव त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तीनों भुजाएं अलग अलग हो,
संवाद रूप बोलते हैं उसको, ठीक है। अब इसमें इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है इसमें होता है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस सी, इसमें एस क्या है, एस कैसे निकालेंगे, एस बराबर जो ये बुझा है ना, ये बुझा ये बुझा ये बुझा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बटा टू, इससे इसका एस मतलब अर्ध परिमाप सेमी, और अब इसमें इसका परिमाप, इसमें परिमाप हो गया तीनों बचाओ का योग, यदि संभव उसका वो ठीक है, तीनों विषम भाव मतलब विषम भाव मतलब विषम, विषम यानी जो समान ना हो, भाव यानी भुजा, मतलब जिसकी भुजा समान ना हो, ये भुजा भी अलग है ये भुजा भी अलग है ये भुजा भी अलग है, तो इसका ये दोनों का सूत्र, ये दोनों का सूत्र बोलते हैं, ठीक है। एक आता है संधिभाव समकोण त्रिभुज, ठीक है, संधिभाव समकोण त्रिभुज, तो इस संधिभाव के अंदर समद्विभाव समकोण मतलब एक कोण 90 डिग्री का होगा, समकोण दे रखा है एक कोण 90 डिग्री का होगा, एक कोण 90 डिग्री का होगा, जैसे समद्विभाव है तो द्विभाव में ये दो भुजाएं समान हो, जैसे ये ए है ये है, तो ये रूट समद्विभाव मतलब दो भुजाएं समान होगी इसमें, ये भुजा ये भुजा है ना, समकोण है तो समकोण एक 90 डिग्री का कोण, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल एक बटा दो इंटू, अब समकोण के रूज के अंदर लंबाई गुणा ऊंचाई थी, अब इसमें लंबाई भी ए है ऊंचाई भी ए है, तो इसको ए स्क्वायर कर लो, ठीक है, इसका क्षेत्रफल ए हो गया, इसका परिमाप रूट टू, रूट टू ए प्लस रूट टू प्लस वन, ये इसका परिमाप हो गया,
एक हो गया संभव त्रिभुज। संभव त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान। ये तीनों भुजाएं समान हो, समभाव मतलब समान भुजा, तीनों भुजाएं समान होगी तो तीनों कोण भी समान होगी। ये भी 60 का, ये भी 60 का और ये भी 60 डिग्री का, ठीक है, तीनों भुजाएं समान होगी। इसका क्षेत्रफल क्षेत्रफल होगा रूट 3/4 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है। इसका परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, और तीनों भुजाएं इसमें समान है तो ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब या थ्री ए होगा, थ्री ए, ठीक है। अगर इसकी ऊंचाई निकाले, ऊंचाई ये सीधी ऊंचाई निकाले ना इसकी, इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, क्या ऊंचाई बिल्कुल सीधी, तो इसका सूत्र है ऊंचाई का सूत्र हो गया रूट 3/4 ए, एक ये हो गया एक ये, एक ये, तीन लग। और अब इसके अंदर ये होता है, ये इसके अंदर अगर उनका व्रत की त्रिज्या मतलब संभव त्रिभुज के अंदर कोई वर्त बना हो, अंतर्वर्त बना, अंदर वर्त बना हो, ये वर्त बना हुआ हो तो इसकी त्रिज्या मतलब रेडियस कितनी होगी, इसकी अंतर्वर्त की त्रिज्या, तो अंतर्वर्त अंतर्वृत्त की त्रिज्या का सूत्र ए बाई टू रूट थ्री, ए बाई इसमें हो गया रूट थ्री टू ए, ये हो गया इसका सूत्र। इसका सूत्र ये हो गया, और एक आता है परिवृत्त की त्रिज्या,
परिवर्तित त्रिज्या बराबर ये समबाहु त्रिभुज है, इसके परिवर्तन में चार त्रिभुज है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करने का परिवर्तित त्रिज्या बराबर परिवर्तित त्रिज्या का सूत्र क्या है, ए बाय रूट थ्री, रूट थ्री समधि भाव संकोण त्रिभुज ये क्षेत्रफल एक बटा दो इंटू ए स्क्वायर परिमाप रूट टू ए प्लस ब्रैकेट रूट टू ए प्लस वन, संभव त्रिभुज के अंदर क्षेत्रफल रूट फोर बाई रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर परिमाप थ्री ए ऊंचाई रूट थ्री बाई फोर ए, अंतर्वृत्त की त्रिज्या ए बटा टू रूट थ्री और परिवर्त की त्रिज्या ए बाई रूट थ्री। एक समबाहु त्रिभुज